हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंसीपुर गांव में हरिया अपनी बूढ़ी माँ लता के साथ रहा करता था। हरिया बेहद ही आलसी था। वो ना तो समय से कभी उठता, ना ही समय से अपना कोई भी काम करता। एक रोज सुबह सुबह लता अपनी बेटी को सोता हुआ देखकर, इस आलसी को मैंने कितनी बार कहा है, गिनती की 15 भेड़े तो बची है, उनकी देखभाल अच्छे से करे, लेकिन नहीं, इस लड़के से तो वो भी नहीं होता। कौन? अरे कौन है? माँ आप, माँ ये क्या तरीका है उठाने का? यही सही तरीका है तुझे उठाने का, वरना तू है कि पूरा दिन पड़ा रहेगा अगर तुझे उठाया ना जाए तो। तुझे नहीं उठाऊं ना तो तू उठने का नाम नहीं लेगा। ठीक है सुबह के 12 बज गए। अरे मुझे भेड़ों को भी तो चराने के लिए लेकर जाना है और उनका दूध भी निकालना होगा। मैं इतना लेट कैसे हो गया आखिर? भेड़ों का दूध मैंने निकाल लिया है, बस तू अब ये खाना खा ले और भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ चलता बन। क्या किस्मत हो गई है, सुबह से रात हो जाती है इन भेड़ों के साथ। ना कभी दोस्तों के साथ घूमने को मिलता है, ना गांव की कोई लड़की भाव देती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो जैसे आलसी गरड़िये को लड़कियां भी भाव देकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी। हाँ मैं ही तो एक हूँ जो पूरे गांव में सबसे निकम्मा हूँ, क्यों सही कहा ना मैंने? तेरे लिए अच्छा यही होगा कि फिलहाल तू भेड़ों को चराने के लिए ले जाए, वो बेचारी भूखे प्यासे चिल्ला रही है। पर हरिया उठता है और अपनी भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में जाते हुए हरिया को जग्गू अपनी भेड़ लाता हुआ दिखता है। अरे हरिया क्या बात है, बड़ी जल्दी तू अपने भेड़ों को चराने ले जा रहा है भाई। देख मैं तो अपनी भेड़ों को चरा भी आया हूँ। अच्छी बात है, जा अब जाकर चौराहे पर जुआ खेलता मिल। लगता है तू वहीं अपनी भेड़ों को चराने के लिए जा रहा है जहाँ से मैं अपनी भेड़ों को चारा करा रहा हूँ। कोई फायदा नहीं, मेरी भेड़ों ने उस इलाके की हरी हरी घास अच्छे से चर ली है। इसे ना जाने कहां से पता चल जाता है कि आज मैं अपने भेड़ों को यहां लेकर आने वाला हूं। उससे पहले ही ये अपनी भेड़ों को लेकर आ जाता है। अब हरिया पहाड़ी की तरफ वाले जंगल की तरफ बढ़ता है और अपनी भेड़ों को वहां छोड़कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खाना खाने के बाद ठंडी ठंडी हवा के कारण उसे नींद आ जाती है। नींद तो काफी अच्छी आई है, लेकिन ये क्या, दोपहर से शाम हो चुकी है और ना जाने मेरी भेड़े कहाँ चरते चरते निकल गई होंगी। मुझे उन्हें जल्दी ढूंढना होगा। ना जाने क्यों मुझे मेरी कोई भी भेड़ नजर नहीं आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कोई जंगली जानवर अपना शिकार बनाकर ले गया होगा तो माँ तो मुझे बहुत मारेगी। लेकिन मेरी एक दो भेड़ थोड़ी है, पूरी 15 भेड़े हैं। जरूर वो जग्गू मेरी भेड़ों को चुरा कर ले गया होगा। अब उदास होता हुआ हरिया अपने घर पहुँचता है और रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ आप मुझे मार लो पीट लो, मैं इसी लायक हूँ। आप सच कहती थी माँ, मैं बहुत निकम्मा हूँ, किसी भी काम का नहीं हूँ मैं। अरे लेकिन हुआ क्या है, क्यों इतना रोने धोने का नाटक लगा रखा है तूने? अरे नहीं माँ, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सचमुच में रो रहा हूँ। मेरे आलस की वजह से मेरी भेड़ों को कोई उठाकर ले गया या फिर उन्हें कोई जंगली जानवर खा गया होगा। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, मुझे सच में नहीं पता माँ वो सब कहाँ चली गईं। ये सब मेरी वजह से हुआ है माँ। अच्छा ठीक है, रोना बंद कर और जा
जाकर हाथ मुंह धो ले। तेरी भेड़ों को कुछ भी नहीं हुआ है, वो सही सलामत है। और मुझे ये सारी भेड़े जग्गू ने ला कर दी है और कहा है कि उसे ये सारी भेड़े पहाड़ी वाले जंगल में मिली थी, लेकिन उसने तुझे कहीं नहीं देखा। कहाँ था तू? माँ, ये सब मेरे ही आलस की वजह से हुआ है। मैं अब से किसी भी काम में बिल्कुल भी आलस नहीं करूँगा। हरिया एक पल को बहुत डर जाता है, लेकिन जब वो घर आता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है तो उसकी माँ भी हरिया को सारी बातें बताती है, जिसके बाद हरिया की जान में जान आती है। अब अगली रोज हरिया सुबह जल्दी उठकर भेड़ों का दूध निकाल अपनी भेड़ों को चराने ले जाने की तैयारी करता है। क्या बात है हरिया, आज तो तू बड़ा जल्दी उठ गया। और ये क्या, तूने तो भेड़ों का सारा दूध भी निकाल दिया और उसे नहला भी दिया। हाँ माँ, तुम खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना दो, मैं भेड़ों को चराने के लिए लेकर जाता हूँ। अरे रे रे रे, मेरा कपूत कब सपूत बन गया मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरा राजा बेटा, अभी बना देती हूँ तेरे लिए गर्मा गर्म खाना। इतना बोलकर लता कुछ समय बाद ही हरिया को एक कपड़े की पोटली में खाना बांध कर देती है, और हरिया भी खाना लेने के बाद ही अपनी भेड़ों को जंगल की तरफ बढ़ाता है। तभी कुछ दूर जाने पर हरिया को जग्गू दिखाई देता है, जो अपनी भेड़ों को मार रहा होता है। तभी वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। अरे अरे जग्गू, क्या बात हो गई? आज भी जल्दी ही भेड़ चराने के लिए गया था क्या? आज तो मैं खुद समय पर आया हूँ। अरे मेरी बात तो सुन, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी से अपनी भेड़ों को लेकर? अरे कुछ नहीं, बाद में मिलते हैं, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है कहीं। जग्गू इतना बोलकर अपनी भेड़ों के साथ वहाँ से निकल जाता है। और तो और हरिया को ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन वो अपनी भेड़ों को लेकर जंगल की तरफ बढ़ता है। मेरी भेड़े वैसे तो बहुत समझदार हैं। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हरिया तो पेड़ के नीचे बैठा सो रहा होता है, और तो और उसकी भेड़े इधर उधर चल रही होती हैं। हरिया जैसे ही पेड़ के नीचे सो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि कब दोपहर से शाम हो जाती है। अब देर शाम जब हरिया अंगड़ाई लेता हुआ उठता है। अरे ये क्या, मेरे चारों तरफ धुंधला धुंधला सब कुछ क्यों दिख रहा है और अंधेरा सा क्यों लग रहा है? मुझे लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, और अब कितना सोऊं, घर भी तो जाना है। लगता है रात होने को आई है, मैं ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा ही सो गया हूँ, ना जाने मेरी भेड़े कहाँ चली गई होंगी। हरिया शाम के अंधेरे में अपनी भेड़ों को इधर उधर ढूंढने लगता है। अरे ना जाने ये भेड़े सबकी सब कहाँ चली गई। माँ तो मुझे अब घर में घुसने भी नहीं देगी, और मैं तो माँ को बताकर भी नहीं आया हूँ कि मैं यहाँ हूँ। हरिया बहुत परेशान हो जाता है और वो जंगल से आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ उसकी एक भेड़ मिलती है। अब तक तो मुझे मेरी यही पहली भेड़ मिली है, बाकी की भेड़ों को भी मुझे ढूंढना होगा। यह मेरे परिवार के रोजी रोटी का जरिया है, और इनकी ही मैं अच्छे से देख रेख नहीं कर पाया। टुन टुन मुनमुन, कहाँ गई मेरी सारी भेड़े? अरे आलसपन की वजह से आज मेरी भेड़े मुझसे खो गई हैं। अब मैं भी उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे आज कुछ भी हो जाए। हरिया अपने आलसपन के कारण अपनी भेड़ों को तो खो चुका था और उन्हें ढूंढ भी रहा था। इधर हरिया की माँ लता अपनी बेटी के घर ना लौटने से बहुत परेशान थी, इसलिए वो जाकर जग्गू से पूछती है। अरे नहीं नहीं लता काकी, मैंने नहीं देखा हरिया को आज, मैं तो अपनी भेड़ों को जंगल के दूसरी तरफ ले जाता हूँ चराने। लता तो पूरी रात अपने बेटे हरिया का इंतजार कर रही होती, और जब अगली सुबह लता रो रही थी, तभी हरिया अपनी भेड़ों को लेकर घर पहुँचता है। अरे माँ रो क्यों रही हो, दरअसल बात ऐसी है कि सारी की सारी भेड़ खो गई थी, और मेरे आलस की वजह से ना जाने कहाँ निकल गई थी। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने सोचा कि अब से आलस नहीं करूँगा, इसलिए मैंने रात भर जागकर सारी भेड़े ढूंढी, और ढूंढकर सबसे पहले सुबह तुम्हारे सामने ले आया।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।